अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम्स किचन। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी आज एक और रमज़ान के लिए नई रेसिपी के साथ, मेक एंड स्टोर रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ सैम्स किचन में कीमे वाले समोसे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख दी है और 1 पाव मेरे पास कीमा है। ये मेरे पास चिकन का कीमा है, आप चाहें तो मटन या बीफ भी ले सकते हैं। अच्छा वैसे ये बीफ में बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन कराची में थोड़ा और सिंध में थोड़ा बीफ के में इशू चल रहा है बीमारी का, इसलिए मैं नहीं इस्तेमाल कर रही। मैं इसको चिकन से बनाऊंगी। फ्लेम मैंने हमने हाई रखनी है और हाई फ्लेम पे हमने चिकन को अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, इसका पानी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है जी, तो चलें वेट करते हैं। अच्छा जी, कीमा फ्राई हो रहा है, साथ ही मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर रही हूँ, इसको भी साथ फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ कीमा फ्राई हो गया है। अच्छा, जब मैंने कीमा चॉप किया था चॉपर में, मैंने बोनलेस चिकन लेके जो हमने चॉप कर लिया था, तो मैंने साथ ही 3-4 हरी मिर्चें भी साथ ही चॉप कर ली थी। अब यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक अपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं फिलिंग करने से पहले। और साथ में मैं काली मिर्चें डालूंगी। काली मिर्चें जो है वो मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। इसमें सिर्फ काली मिर्ची ही जाती है और काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काली मिर्च आपने जो है फ्रेश जो है उसको ग्राइंड करना है और उसका पाउडर नहीं बनाना है। ठीक है जी, चॉप होनी क्रश्ड होनी चाहिए। और बस इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करूँगी। और यहाँ पे इसमें प्याज बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं भी थोड़े इसमें ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आप क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 जो मीडियम साइज के हैं प्याज, उनको दरमियाना सॉरी मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। हैंड चॉपर से मैंने अच्छी तरह इन्हें बारीक बारीक कर ली है। तो अब मैं ये शामिल करूँगी और फुल फ्लेम पर हम इसको जो है अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बस प्याज का हमें कलर चेंज करना है, बहुत लाइट सा कलर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके अलावा हमने प्याज को कोई कलर नहीं देना। ठीक है जी, तो चले इसको फ्राई करते हैं अच्छी तरह से। प्याज को इसका साथ ही बस हल्का सा कलर आ जाए जी। यहाँ सोया सॉस में डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 4 से 5 टेबलस्पून के। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें और अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको जो है थोड़ा सा हमने और कलर चेंज करना है इसका, तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको जो है ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जी। तो ये हो गया, फिर फ्लेम ऑफ करके तो इसको जो है ठंडे होने का वेट करते हैं। फिर इसमें हम चॉप धनिया डालेंगे जी। यहाँ पे जो है ये मिक्सचर जो हमने चिकन का बनाया थी फिलिंग वो ठंडी हो गई है, तो अब इसमें मैं ये रेड चिली थी वो शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा धनिया। अगर आपको पसंद हो तो शामिल कर लें, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और समोसों की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने 1-2 बनाए थे, अब मैं बताऊँ कि यहाँ से हमने इसको यूँ फोल्ड करके इसको, अच्छा ये जो है इसको यहाँ हमने अच्छी तरह से टाइट करना है, क्योंकि ये वो सुराख है जो अगर ज़रा सा भी रह जाए तो सारी फिलिंग इससे बाहर आती है और ऑयल अंदर चला जाता है। इसकी इसका जो है आपने बहुत अच्छी तरह से ज़रा इसका उसको टाइट तरीके से रखना है। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे, ये पॉकेट बना ली है, इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब फिलिंग डालेंगे। ज़्यादा फिलिंग भी जो है वो हैंडल करनी मुश्किल हो जाएगी, तो उस हिसाब से ही आप जिससे जितनी आपकी शीट हो उसके हिसाब से ही आप जो है फिलिंग शामिल कीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने मैदा और पानी का मिक्सचर बना लिया, इससे हम बाइंडिंग करेंगे इसकी। इस तरह से हमने
सारे समोसे बना के रख लेना, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और मैं बना रही हूँ, उसमें मैं जो है थोड़ी सी अंदर चेडर चीज शामिल करूंगी, अगर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो। चीज के साथ भी ये जो स्टफिंग है बहुत अच्छी लगती है, साथ में हमने इसको स्टफिंग को डाल के की बाइंडिंग कर देनी, लाइट से हो जाए, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं जी। तो ये समोसे फ्राई हो गए, अब इनकी लुक देखे कितनी अच्छी है, टेस्ट में भी बहुत मजे के होंगे। साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चली जाऊँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, बना के फ्रीज कर लें, और पूरा रमज़ान आराम से, ताकि आपको कोई भी इस किस्म का काम ना करना पड़े जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे। तो इसके साथ ही मैं सेंस किचन से इजाज़त चाहती हूँ, अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।